हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने पीसी, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर 24 हावर्स के टाइम को कैसे डिसेबल कर सकते हैं और आप सिर्फ 12 हावर्स के जो आपको कंप्यूटर पर जो टाइम है उसे आप कैसे सेट कर सकते हैं, यानी फिर उसके बाद में आपके जो कंप्यूटर के अंदर AM व PM यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च करना होगा डेट एंड टाइम। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और डेट एंड टाइम सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे पीसी की यहाँ पर सेटिंग ओपन होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम रीजनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको चेंज डेटा फॉर्मेट्स पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो पीसी के अंदर जो टाइम है, जो कैलेंडर है या फिर जो फर्स्ट डे ऑफ वीक है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट है। तो यहाँ से हमें AM और PM को इनेबल करने के लिए, यानी हमें 12 हावर्स का जो वो जो हमारे पीसी की जो टाइम है उसे हमें 12 हावर्स में चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर शॉर्ट टाइम पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें 09:40 यहाँ पर AM पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीसी के अंदर पहले 24 हावर्स का टाइम चल रहा था और अभी यहाँ पर 12 हावर्स का टाइम चलने लग गया है, यानी यहाँ पर पहले AM PM शो नहीं हो रहा था और अभी यहाँ पर सक्सेसफुली शो होने लग गया है। सो इस तरह आप अपने पीसी, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर AM PM को इनेबल कर सकते हैं और अपने पीसी के अंदर 12 हावर्स का जो वॉच टाइम है उसे आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर न्यू लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।